हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेयर लॉस और री ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हेयर लॉस के क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहला कॉज होता है लैक ऑफ विटामिन्स इन योर बॉडी। इससे भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। अगर स्ट्रेस है उससे भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। और अगर आपको थायरॉयड है उससे भी बहुत हेयर लॉस होता है। और जेनेटिक्स की वजह से, मतलब काफ़ी सारे कॉजेज हैं जिससे हेयर लॉस होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा DIY हेयर ऑयल बताऊंगी जिससे आपका हेयर रीग्रो होगा और हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगी अगर आप उसको डेली यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हम लोग को इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अनियन जूस। अनियन में सल्फ़र बहुत ज़्यादा भारी अमाउंट में होता है और सल्फ़र जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर हम लोग अनियन जूस को अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे तो वो हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा और आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाए। सेकेंड इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत एक अच्छा नेचुरल रेमेडी है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। डैंड्रफ हटाने के साथ साथ वो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करता है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज़ कोकोनट ऑयल। तो जैसे कि सबको पता है कि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर स्कैल्प के लिए, पर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को और डबल बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको अनियन जूस और एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करिए। तो कोकोनट ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और अच्छे से आपके ऊपर वर्क करेंगी और अच्छे से वो आपके स्कैल्प को कंडीशन करेगा और आपके बाल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे मैंने एलोवेरा और अनियन का जूस लिया है। अब आपको एक कप बॉइलिंग वाटर में एलोवेरा को डाल देना है और इसको 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़। तो अब 5 मिनट हो गए और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको ऑफ़ कर देंगे। अब आप एलोवेरा का पानी कोई नए साफ बोल में स्ट्रेन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें अनियन जूस डालिए, उसके बाद आप एलोवेरा जेल डालिए, फिर उसके बाद कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। उसके बाद आपको ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने हैं और आप ये स्टोर करके रख सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हेयर मेरे जैसे लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बने तो आप ज़रूर इस DIY ऑयल को एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा और यूज़ करके देखिएगा, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लविंग योरसेल्फ। बाय।